हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। और आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा वो करूंगा पेपर के साथ। अब भाई, अगर आपसे कोई कहता है कि आपके पास एक पेपर है और उसको हाथ भी नहीं लगाओ और उसको काट दो, या फिर उसको बिना फाड़े जो है उसकी कटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ कि मैं पेपर पर हाथ भी नहीं लगाऊंगा और उसकी कटिंग भी हो जाएगी, और मैं किसी कैंची या ब्लेड का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। ये खालिस्तन साइंस की मदद से होगा, यानी कि बिल्कुल प्योरली इसमें साइंस होगी, इसमें और कोई दूसरी चीज नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपसे कोई कहे कि बिना किसी इंक के एक कागज के ऊपर कुछ लिखना है, तो क्या आप लिख सकोगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लिख सकेंगे, मैं भी नहीं लिख सकता, मगर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं पेपर पर लिखूंगा भी, पेपर को मैं काटूंगा भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरे पास है यहाँ पर एक ड्राइंग शीट, ये देखिए, इसमें बहुत सारी मेरे पास ड्राइंग शीट्स हैं गाइस। तो फिर इसको जो है मैं इस्तेमाल करूंगा, और इसके लिए क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत सारा तार है, तो मैं इलेक्ट्रिक की मदद से करूंगा जो कुछ भी करूंगा। इसमें एक चीज और शामिल होगी, वो क्या होगी इस वीडियो में वो आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, इस तरफ बटन आ रहा होगा इसका। और अगर आप पुराने, तो भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास एक ड्राइंग शीट, और इसके बाद यहाँ पर है दो ये इलेक्ट्रिकल वायर। इसमें मैं डायरेक्ट 220 का पावर दूंगा, तो भाई ये घर पे ट्राई करने की आप कोशिश मत करिएगा। यहाँ पर एक कप है, इसके अंदर मैं पानी लेता हूँ। ये मेरे पास नमक है, ये पानी को इसके साथ हल करेंगे, घोलेंगे, और उसके बाद इस टेबल पे हम डाल देंगे। उसके बाद ये शीट रखेंगे और फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई देके इसकी कटिंग करेंगे या इस पर लिखेंगे। तो दोस्तों, दो शीट्स हैं मेरे पास, एक पर मैं लिखूंगा, एक पर मैं कटिंग करूंगा, तो आप दोनों देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस शीट को हटा देता हूँ। अभी मैंने पावर सप्लाई ऑफ की हुई है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पानी, और पानी के साथ मैं डाल देता हूँ ये नमक। तो भाई ये देखिए, अब मैं ले रहा हूँ इसमें, ये सादा पानी है, ठीक है गाइस, ये मैंने ले लिया है सादा पानी थोड़ा सा। अब इसके बाद जो है मैं इसमें डाल रहा हूँ ये नमक, ये देखें, ये नमक डाल दिया मैंने एक चमचा, एक चमचा और, ताकि पानी जो है आसानी से इलेक्ट्रोलाइज हो सके। करंट की वजह से पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है गाइस, इसलिए जो है जब वो कागज़ के साथ होगा तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रोलाइज से जो गर्मी बनेगी उससे कागज़ आपका कटने लगेगा या वहाँ से जलने लगेगा जहाँ पर मैं इसको तार को रखूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने पानी के साथ जो है नमक डाल दिया है, ताकि आसानी से इलेक्ट्रोलाइज हो सके। और इलेक्ट्रोलाइज की एक और वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये देखें, ये मैंने इसमें अच्छी तरह से नमक को जो है हल कर लिया। अब मैं डाल देता हूँ इस टेबल के ऊपर इस पानी को, और उसके बाद ये शीट जो है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये हम रखेंगे इस पर, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। तो गाइस ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने इसका गिरा लिया यहाँ पर, ठीक है भाई। अब मैं इसको कर देता हूँ साइड पे, ये रहा नमक। तो गाइस ये देखिए, ये ड्राइंग शीट थी, अब इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ टेबल के ऊपर जहाँ हमने पानी गिराया है। तो गाइस ये देखिए, जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये रखा तो इसकी सारी जितनी भी नमी थी वो यहाँ पर आ गई है, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा, एक तरफ से इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दूंगा, और दूसरी तरफ से जो है हम दूसरा वायर इसमें कनेक्ट करेंगे। जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइज होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा तो कागज़ खुद ब खुद कटना शुरू हो जाएगा या जलना शुरू हो जाएगा। तो भाई अब मैं इसके ऊपर जो है ये वेट है, ये मेरे पास वायर है, वायर मैं यहाँ रखता हूँ, और ये वेट मैं इस वायर के ऊपर रख देता हूँ। अब गाइस मेरे पास ये दूसरा जो वायर है इसको मैं हाथ में रखूँगा। अब मैं पावर सप्लाई इसको देने जा रहा हूँ। तो भाई अब मैंने इसे पावर सप्लाई गाइस दे दी है। अब देखिएगा, मैं इस पर लिखने की कोशिश करता हूँ। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। ये देखिए गाइस, देखें
किस तरह से पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, यानी कि जो है हीट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोलाइज की वजह से, और हीट की वजह से जो है कागज़ वहाँ वहाँ से जल रहा है जहाँ जहाँ पर ये तार मैं लेकर जाता हूँ। ये देखिए, ये मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ भाई, मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है गाइस, ये देखिए कितनी आराम से आप इससे लिख सकते हैं। ये देखिए गाइस, तो गाइस देखें इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। अगर आपके पास इंक ना हो, पानी हो और उसके साथ हम थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करें तो इस कागज़ को इस तरह से गीला करने के बाद थोड़ा सा नम हो जाए, वो थोड़ी सी नमी आ जाए, तो उसके बाद पानी उसका इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा। जैसे ही आप उसको पावर देंगे और जहाँ जहाँ से आप पावर देंगे वहाँ वहाँ से कागज़ जल जाएगा। तो दोस्तों ये मिस्टर एवरीथिंग मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो तो मैं करता ही हूँ। तो दोस्तों मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट मेरे चैनल का पूरा नाम है, जो कि आपको पता ही होगा भाई, सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। अब मैं दूसरी शीट इसके अंदर लगाता हूँ, पहले पावर सप्लाई से इसको हटाऊँगा क्योंकि ख़तरनाक है, अगर मैंने इसको टच कर लिया तो मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है। तो पहले मैं पावर सप्लाई हटाता हूँ, फिर शीट बदलते हैं, फिर उसकी कटिंग करके देखते हैं। तो गाइज मैंने पावर सप्लाई हटा दी है, अब कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। ये देखिए, अब इसके बाद मैं इसका ये वेट हटाता हूँ, अब दूसरी शीट रखते हैं और फिर हम इसमें कटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पर पानी पहले से ही थोड़ा सा मौजूद है, ज़रा सा और गिरा लूँगा मैं ताकि जो है मेरा पूरा कागज़ जो है अच्छी तरह से गीला हो जाए, फिर उसके बाद हम जो है उसकी कटिंग करें। भाई थोड़ा सा पानी और जो है मैं गिरा लेता हूँ ताकि कागज़ मेरा अच्छी तरह से गीला हो जाए। हर तरफ से जब वो नम होगा ना तो अच्छी तरह से जो है इलेक्ट्रोलाइज होगा पानी, पानी नमक की वजह से इलेक्ट्रोलाइज होता है गाइस, और जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो भाई ये देखें, अब मैंने इसको टेबल को जो है पूरा अच्छी तरह से गीला कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं पेपर रखता हूँ ताकि ये सारा पानी पेपर के अंदर जज्ब हो जाए, और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से कटिंग हम कर पाते हैं। ये देखिए गाइस, ये दूसरा पेपर है, ये मैंने इस पर रख दिया। तो गाइस इस बार पानी ज़रा इसमें मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी इसमें ऊपर से भी डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं। वैसे तो होना चाहिए और होगा भी। हमारा मकसद है कि कागज़ को कट करना, वो भी बिना हाथ लगाए या बिना किसी कैंची के, हाथ से फाड़ना भी नहीं है और उसको काटना भी है। तो भाई गाइस ये देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से ऊपर से भी गीला कर लिया, नीचे से पानी थोड़ा सा कम था तो मैंने ऊपर से इसको गीला कर लिया, पावर सप्लाई मैंने हटाई हुई है। अब मैं इसको दोबारा से कागज़ के ऊपर रखता हूँ और ये मैंने वेट रख दिया। ठीक है भाई, अब मैं जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरे पास दूसरा वायर है, अब हम इसको कट करेंगे। तो गाइस अब मैं दे रहा हूँ इसे पावर सप्लाई, मैंने इसे पावर सप्लाई दे दी है। तो भाई अब हम इसको कट करते हैं। तो गाइस ये देखिए, अब ये जो दिल का साइन है, दिल का निशान है,
अब ये इसी तरह से कट हो जाएगा जिस तरह से मैं इसको काट रहा हूँ। भाई मेरी ड्राइंग कोई इतनी ख़ास नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मैंने टेक्निकल ड्राइंग्स ही बनाई हैं, तो इस तरह से जो है अब जैसा भी बन रहा है वो आप देख लें, मगर जब ये मैं कागज़ इसको उठाऊंगा तो फिर ये कट हो चुका होगा। अब इस तरह से मैं इसके अंदर से भी ये खाना बना लेता हूँ। इस तरह से हमारे चैनल का लोगो है मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट का। तो भाई ये देखिए गाइस, बस एक चिंगारी निकलती रहती है और कागज़ वहाँ वहाँ से कट होता रहता है, पानी इलेक्ट्रोलाइज होता रहता है और साथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करती है, पावर इतना ज़्यादा होता है कि कागज़ वहाँ से जल जाता है। अब ये देखिए, अब जहाँ जहाँ से कागज़ जल जाता है वहाँ वहाँ से जो है जगह इसकी खाली हो जाती है और उसके बाद हम उस पैटर्न को या उस डिज़ाइन को इसमें से अलग कर सकते हैं सूखने के बाद। तो वो भी मैं आपको अलग करके दिखा दूंगा। वैसे तो सुखा के अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, आप समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब इधर भी देखें, ये देखें, मैं इसमें बआसानी लिख भी सकता हूँ गाइस और इसमें से कुछ भी कट भी कर सकता हूँ किसी भी तरह के डिज़ाइन में, बस सूखने के बाद जो है हमारा काम बन जाएगा। तो गाइस ये देखें, आप शायद देख ना रहे हो मगर मुझे तो महसूस हो रहा है कि इसमें से धुआं भी निकलता है, जहाँ जहाँ मैं ये लगाता हूँ तो वहाँ वहाँ से धुआं भी निकलता है साग के साथ, पानी इलेक्ट्रोलाइज होकर उड़ जाता है और पेपर जो है वो जल जाता है, जलने की वजह से इसमें से धुआँ निकल रहा है। तो गाइस ये देखिए, उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। भाई ये एक्सपेरिमेंट खुद करता रहता हूँ मैं, फिर जब मुझे कुछ अच्छा लगता है कुछ नया होता है तो फिर वो मैं आपके लिए लेकर आ जाता हूँ, उस पर वीडियो बना देता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करना मेरा काम है और वो मैं करता रहता हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट का शुरू से ही शौक है। तो भाई अब वही कर रहा हूँ, अब जो उसके नतीजे होते हैं वो आपको भी दिखा देता हूँ मैं, तो आपको भी इससे कुछ नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। तो गाइस अब इसको मैं उठाता हूँ शीट को, पहले पावर सप्लाई ऑफ़ करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी जो कटिंग हुई है ये किस तरह से हुई होगी, सही भी हुई है या सही नहीं हुई है। तो भाई अब मैं इसको जो है हटाता हूँ, एक बार और सही से कर लूँ। चलिए गाइस, अब मैं पावर सप्लाई को इससे अलग कर रहा हूँ। भाई मैंने पावर सप्लाई अलग कर ली है, अब कुछ नहीं होगा, अब 220 इसमें नहीं है, वरना अगर मैं डायरेक्ट हाथ लगाता तो शायद ऊपर पहुंच जाता। तो भाई ये मैं तार हटा देता हूँ दोनों, और अब इस शीट को हम उठाते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने शीट को उठाना शुरू किया है, अब जो जो डिज़ाइन हमने इसमें से काटे थे वो अपनी जगह पर हैं और ये शीट जो है वो उठ रही है, इसको हम इससे अलग कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, जो जो हमारे डिज़ाइन थे वो यहीं रह गए, बाकी जो हमारी शीट थी वो इसमें से हट गई है। तो ये देखिए गाइस, अब जब ये सूखेगा तो सूखने के बाद ये जो हमने डिज़ाइन काटे हैं ये सारे कट चुके होंगे, ना इस पे हाथ का इस्तेमाल हुआ, ना मैंने इसको फाड़ा है हाथ से, ना इसमें मैंने कोई कैंची वगैरह यूज़ की है। तो फिर गाइस आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी कटिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी से हुई है, और इलेक्ट्रिक भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि कागज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से वहाँ ट्रेवल नहीं करवा सकता क्योंकि वो एक इंसुलेटर होता है। तो गाइस उसके लिए फिर मैंने पानी का इस्तेमाल किया, जब मैंने पानी का इस्तेमाल किया, पानी तो ज़ाहिर है कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है बआसानी, तो मैंने यही सोचा कि पानी के अंदर जब हाई टेंशन पावर दूंगा मैं तो फिर यही होगा कि पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइज होगा, इलेक्ट्रोलाइज होने की वजह से जो उसमें आग लगेगी उसकी वजह से कागज़ जल जाएगा, कागज़ जलने की वजह से जिस पैटर्न में भी हम उसको काटेंगे तो वो कट जाएगा, और बाकी जो मटेरियल है वो जब हम हटा लेंगे तो कटिंग हमारे पास रह जाएगी और ये कट चुका होगा क्योंकि उसमें फौरी तौर पर आग लग जाती है जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं जब हाई टेंशन का हमारे पास पावर होता है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, भई ये मैंने दिल काटा है, अब मुझे सही से दिल वगैरह कोई काटने नहीं आते क्योंकि दिल को काटना दिल को तोड़ना ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और दिल ना टूटे और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अब ये देखिए, ये इमोजी, ये काफ़ी मशहूर इमोजी है आप लोगों का, ये भी मैंने काट दिया।
आपको मैंने चैनल का नाम भी लिख कर दिखाया। और गाइस ये टेबल पर आप कह रहे हैं भाई ये निशान पड़ गए होंगे, तो ये निशान नहीं है, ये इसको मैं ऐसे करके अगर साफ़ करूँगा तो फिर ये साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी के साथ जितनी भी कागज़ की राख थी जो जल गई थी वो हट जाएगी, इसकी लकड़ी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, ये अच्छी तरह से साफ़ हो सकता है। तो गाइस मगर फिर भी आप लोग जो है ऐसे तजर्बे घर पर मत किया करें, मैं इसके लिए बहुत कोशिश और मेहनत करता हूँ, बहुत कुछ सोचता समझता हूँ, फिर उसके बाद कोई एक वीडियो बनाता हूँ मुकम्मल सेफ्टी के साथ। तो गाइस ऐसा आप करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने जानने को मिला होगा। भाई ये देखें ये दिल और ये वो वाला इमोजी जो हमने उसमें से कट किया था। कम से कम आपने इस वीडियो से ये तो जान लिया होगा कि इलेक्ट्रिक सप्लाई की मदद से पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके किसी कागज़ को काटा भी जा सकता है, और बिना पेन की मदद से बिना किसी इंक के हम उसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं। तो भाई मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो भाई वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।